क्वाड देशों की एक बार फिर से बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ निकला है, आगे के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने मिलकर क्या रणनीति बनाई है और चीन की ताकत को काउंटर करने के लिए क्वाड देशों के पास क्या योजना है। सिर्फ सवाल क्वाड का नहीं है बल्कि ब्रिक्स का भी अपना महत्व है और भारत ब्रिक्स और क्वाड का सदस्य है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत चीन विरोधी खेमे में शामिल होकर ब्रिक्स को मैनेज कर पाएगा। इसके साथ ही क्वाड में शामिल देश भारत को वैक्सीन डेवलपर्स का केंद्र बिंदु क्यों बनाना चाहते हैं, इन सभी सवालों पर बात करेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश होगी। जयराम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि हर मुद्दे पर सटीक विश्लेषण किया जाए ताकि आप भी हकीकत को समझ सके। आपसे सहयोग की अपील है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय भी देने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप जानते हैं कि क्वाड देशों का गठन क्यों और कब हुआ और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल क्वाड का गठन 2007 में किया गया, तब क्वाड देशों की एकजुटता का महत्व समझ में लोगों को नहीं आया क्योंकि तब चीन के साथ भारत के रिश्ते भी अच्छे थे और अमेरिका को सीधे तौर पर चीन चुनौती नहीं दे रहा था। यही कारण है कि क्वाड का महत्व किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि परिस्थिति और समय एक जैसा नहीं होता है। चीन दुनिया की ताकत को काउंटर करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था और अपने सॉफ्ट पावर की इमेज को बनाकर खुद की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन मुश्किल तब बढ़ी जब चीन अपनी इकोनॉमी के बलबूते दूसरे देशों को खुद पर निर्भर करने की दिशा में आगे बढ़ने लगा और दूसरे देशों में खुद की एक तरह से कॉलोनी बनाने शुरू कर दी। जैसा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लीज पर ले लिया है क्योंकि श्रीलंका चीन के कर्ज तले दब गया। ऐसे ही बहुत से देश हैं जिनकी चीन आर्थिक मदद की लेकिन उसके बदले में चीन ने अपनी शर्तों को थोपकर फायदा उठाया। अगर चीन को काउंटर करना है तो क्वाड देशों को चीन की योजनाओं के मुताबिक एक ऐसा बजट बनाना होगा जिसकी मदद से साउथ एशिया रीजन में पड़ने वाले देशों की आर्थिक मदद करनी होगी। साउथ एशिया रीजन के छोटे देशों को चीन के निर्भरता से बचाना होगा। भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा डेवलप करना होगा ताकि चीन की शक्ति के आगे भारत की आर्थिक शक्ति के बलबूते काउंटर किया जा सके और भारत की आर्थिक ताकत बढ़ने से पड़ोसी देशों को भारत आर्थिक मदद भी कर पाएगा और सामरिक शक्ति के संतुलन में अहम योगदान दे सकता है। वैसे चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए दुनिया ने नए सिरे से सामरिक संतुलन बनाने की कवायद शुरू कर दी है जिसका केंद्र बिंदु भारत होगा। यही कारण है कि जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है तब भारत की तरफ दुनिया देख रही है। ऐसे में भारत ने मैत्री वैक्सीन अभियान शुरू किया है जिसके तहत भारत 65 देशों को वैक्सीन देने का काम कर रहा है। आगे और देशों को भी भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी से जुड़ने का काम करेगा, ऐसी संभावना है क्योंकि भारत का मानना है कि मानवता सबसे पहले है। इस अभियान को देखते हुए क्वाड देशों ने भी सहयोग करने का भरोसा दिया है। क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्र प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे महामारी पर कंट्रोल पाने के लिए वैक्सीन को और ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वैक्सीन, यूएस वैक्सीन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस रिगार्ड। आई डिड मेंशन टू यू दैट ईच ऑफ द अदर थ्री क्वाड लीडर्स मेड इट अ पॉइंट to talk about the success of India's vaccine Maitri program, our endeavor to supply vaccines all over the world despite our own domestic requirements. So you will have financing from the US and Japan, and you will have Australia contributing towards last mile and logistical delivery issues. इसलिए बकायदा भारत को केंद्र बिंदु बनाने की योजना भी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चीन इस तरह से दबाव में आ सकता है। वैसे चीन ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद राहत की सांस ली है, तो क्या अमेरिका चीन के प्रति सॉफ्ट होने की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीति के साथ चीन पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम करेगा। क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम किए हुए है, इसके लिए चीन ने साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया। यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच विवादित हिस्से में चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते हैं।
इसके साथ ही हांगकांग में चीन के तानाशाही रवैये के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इस इलाके में चीन का दबदबा बढ़ने से भारत पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वैसे भारत चीन को काउंटर करने के लिए मलक्का स्ट्रेट के पास सबांग पोर्ट को डेवलप करने का काम कर रहा है, जिसकी मदद से मलक्का स्ट्रेट पर भारत की निगाह और पैनी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर भारत मलक्का स्ट्रेट को चौक कर सकता है। मलेशिया के साथ चीन का समुद्री विवाद है, ऐसे में मलेशिया भी भारत के साथ खड़ा है। वहीं इंडोनेशिया में भी भारत अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसकी मदद से चीन के दबदबे को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इंडोनेशिया के पीछे ऑस्ट्रेलिया बसता है और जापान आगे खड़ा है, जो क्वाड देशों में शामिल हैं। वहीं अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के दखल को कम करने के लिए क्वाड देशों के समूह के साथ समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास करता रहता है, जिसकी वजह से चीन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वैसे ब्रिक्स देशों की फिर से बैठक होने वाली है। यह बैठक भारत में होगी और इस संगठन में शामिल सभी राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेंगे। यह बैठक वर्चुअल नहीं होगी। ऐसे में चीन अपने सॉफ्ट इमेज को डेवलप करने पर जोर दे रहा है, जिसका असर भारत से टकराव को कम कर एक संदेश देने की कोशिश भी चीन कर रहा है। शायद चीन इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का दोबारा से 2017 में सक्रिय होने का मतलब क्या है। भारत की ताकत को भी चीन समझ रहा है। यही कारण है कि चीन भारत को क्वाड से दूर रहने के लिए लगातार चेतावनी देता रहा, क्योंकि भारत समुद्री इलाके में चीन की घेराबंदी के लिए लगातार काम कर रहा है। ऐसे में चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए जमीनी सीमाओं पर टकराव बढ़ाने की योजना पर काम किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। दरअसल भारत और चीन 4,500 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच कई जगहों पर सीमा विवाद है। गलवान का विवाद सबके सामने है, लेकिन इस मैप में देखिए, विवाद सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बल्कि कई जगहों पर भारत और चीन का सीमा पर टकराव होता है। ऐसे में क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन के अपने मायने हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिका के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ आने से चीन की ताकत को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी और उन देशों को राहत मिलेगी जो क्वाड के सपोर्ट में खड़े होंगे। वैसे क्वाड को मजबूत करने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत होगी। जैसे ब्रिक्स देशों का संगठन काम करता है, उसका अपना हेडक्वार्टर है, इन देशों की हर साल बैठक होती है, ऐसा ही क्वाड देशों को करने की जरूरत है। क्वाड को अपना हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत है। साथ ही चारों देश मिलकर सुरक्षा पैक्ट पर साइन कर सकते हैं, ताकि चीन को संदेश दिया जा सके कि एक देश पर हमले का मतलब होगा सभी देशों पर हमला, जिससे चीन की ताकत को कुंद करने में मदद मिलेगी। वैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम सब लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण एकजुट हुए हैं। ये तुकबंदी के लिहाज से सही लग सकता है, लेकिन ये विदेश नीति का मामला है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इन देशों को छोड़कर जिन देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इसके पीछे हमारी सोच और हमारी सरकारों के प्रयास शामिल नहीं है? ये सवाल है जिस पर सबको सोचना होगा। वैसे चीन क्वाड देशों की एकजुटता को देखते हुए डिफेंस बजट में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने अपने 2021 के सालाना रक्षा बजट में करीब 6.8% ज्यादा पैसा खर्च करने का फैसला लिया है, जो 14.60 लाख करोड़ से बढ़कर 15.26 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो भारत के सालाना रक्षा बजट से 69% ज्यादा है। वैसे चीन चौतरफा घिरता देख इस कदम को बढ़ाने को मजबूर हुआ है। वैसे भी चीन की नीति अग्रेसिव रहती है। वो इस बात का इंतजार नहीं करता है कि जब मुश्किल होगी तब देखेंगे, बल्कि पहले से तैयार रहने की रणनीति पर चीन काम करता है। ये सवाल सबके मन में है कि भारत चीन विरोधी खेमे में शामिल है और दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों में भी, जिसमें चीन भी है। ऐसे में सवाल है कि भारत चीन के साथ रिश्तों में संतुलन कैसे बनाने में कामयाब होगा। पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स 15 साल पुरानी संस्था है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखें तो चीन की भूमिका नकारात्मक दिखाई दी। चीन अपनी ताकत के आगे दुनिया के देशों को धमकाने और अपनी आर्थिक शक्ति के बलबूते दुनिया के देशों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा और विवादों को जन्म देने लगा। ऐसे में दुनिया की महाशक्तियों को क्वाड की जरूरत महसूस हुई, ताकि संतुलन को बनाया जा सके। वैसे भारत ब्रिक्स के साथ लंबे समय से काम कर रहा है, तो आगे भी इस संगठन के साथ काम करता रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
और शक्ति संतुलन को बनाने की दिशा में भी भारत अहम भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। वैसे माना जा रहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को काउंटर करने के लिए चीन और रूस एक साथ आ सकते हैं, और रूस के साथ चीन वैसा ही सुरक्षा पैक्ट साइन कर सकता है जैसा क्वाड देश करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ऐसे में चीन पर हमला मतलब होगा रूस पर हमला। अब अगर किसी को लगता है कि भारत के साथ रूस खड़ा रहेगा तो ये अब भूल जाना चाहिए, क्योंकि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने की वजह से रूस चीन पर आर्थिक मदद के लिए आत्मनिर्भर होता जा रहा है। ऐसे में चीन जैसा चाहता है वैसा रूस करता है, और इसका असर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों में भी दिखाई दे चुका है, जिसमें चीन के साथ रूस का भी विरोध सुनाई देता है। वैसे भारत के रिश्तों की अगर बात करें, रूस पर भारत की निर्भरता सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत से साजो सामान आज भी रूस भारत को देने का काम करता है। लेकिन समय के साथ भारत अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है और रूस पर आत्मनिर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।